हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फैशन क्वीन। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। हैप्पी रक्षाबंधन। तो मैं बनाने जा रही हूँ फैब्रिक राखी। इस तरीके से मैंने सबसे पहले एक छोटा टुकड़ा कपड़ा लिया है, तो मैं इसका बटरफ्लाई राखी है ये हमारा पहला। इसको इस तरीके से मैं फोल्ड करके साइड में सिल के स्टिच करके मैं थोड़ी जगह ओपन छोड़ दूंगी ताकि मैं उसको पलट सकूं। इस तरीके से मैं उसको पलट दूंगी और जो हमारा ओपन एरिया है जहाँ से हमने पलटा है उसको मैं स्टिच करके बंद कर दूंगी। हो इस तरीके से मैं वो बटरफ्लाई के सेंटर पॉइंट पे लेके मैं उस पर सिलाई कर दूंगी और उसको इस तरीके से चून की तरह लपेट के मैं उसको लॉक कर दूंगी। अलग टाइप की पतली वाली रिबिन है, तो इसको मैं इस तरीके से तीनों को जॉइंट करके मैं इसको ब्रेड धा हमारी जो चोटी स्टाइल होती है उस तरीके से मैं इसको कर लूँगी। और ये जो हमारा मैंने पूरा जो हमारा लंबाई है पूरा वो है 14 इंच का। और अब मैं इसका सेंटर पॉइंट निकाल के ये जो हमने बटरफ्लाई बनाया है उसको इस पर स्टिच कर दूँगी। मैं हाथ की स्टिच दूँगी इस पर। अगर आप लोगों के पास ये नहीं है बनाने के लिए तो आप इस धागे के ज़रिए बना सकते हैं। आपके पास फ्रेंडशिप बैंड है तो आप उसके थ्रू भी बना सकते हैं। अब इस तरीके से मैंने इसको स्टिच कर दी हूँ और अब मेरे पास बहुत सारे तरीके के फ्लावर्स अलग अलग तरीके के हैं, तो मैं इसको इस पर ग्लू गन के थ्रू लगा दूँगी। अब सेकेंड राखी, दूसरे टाइप की राखी है ये। तरीके से मैंने कपड़ा टुकड़ा लिया है और मेरे पास सर्कल के लिए ये है। आप कोई भी बॉटल का ढक्कन कुछ भी ले सकते हैं। तो उसका शेप रख के मैंने इस तरीके से 6 पीस काट लिए और अब इसको मैं फोल्ड करके इस तरीके से स्टिचिंग देके सारे जो हमारे 6 पीस हैं फ्लावर उसको स्टिच कर लेंगे। अब इसको एकदम खींच के इस पर जो सिलाई होती है ताकि हमारे सारे फ्लावर्स एक साइड आ जाए और इस तरीके से हम फ्लावर को लॉक कर देंगे। इस तरीके से मैंने सिलाई देके इसको स्टिचिंग दे दी है। अब मैं इस पर हमारा जो फ्रेंडशिप बैंड होता है उसके थ्रू रिबिन्स होती है, जो हमारी रिबिन्स है इसको फ्रेंडशिप बैंड पे भी यूज़ करते हैं, उसको इस तरीके से इस पे भी चोटी हमारी जो ब्रेड होती है उसकी तरह मैं कर दूंगी। और फिर इसके इस तरीके से मैं बनाने के बाद इसका भी सेंटर पॉइंट लेके मैं वो फ्लावर को इसी पे स्टिच कर दूंगी। इस तरीके से मैंने फ्लावर स्टिच कर दी हूँ और अब आप इस पे मोती लगाइए। अलग अलग फ्लावर्स लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। मोती है आपके पास मोती लगाइए। मेरे पास मिरर है तो मैं मिरर को इस पे ग्लू गन के थ्रू चिपका दूँगी इस तरीके से। तो हमारी दूसरी राखी रेडी है।
और अब मैं बनाने जा रही हूँ थर्ड राखी। तीसरी राखी है जो हमारी, वो पूरे फ्रेंडशिप बैंड रिबिन्स के ज़रिए बनी है, पूरी रिबिन्स के ज़रिए ही बनी है। तो इसको हमने 3 कलर्स के रिबिन लिया है, उसको डबल पे पहले फोल्ड करके फिर सारे रिबिन्स को हमने एक साथ टाइट गाठी दे दिए, फिर उसको पिन के थ्रू अटका के इस आएगा उस पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बना सकते हैं। इस तरीके से मैंने इसको वो पूरा ब्रेड दे दिया है, पूरी छोटी स्टाइल दे दी है। और अब इसको भी मैं कट करके दूसरी साइड पे नॉट दे दूंगी, गाठी डाल दूंगी ताकि हमारा खुले ना। और अब ये हमारी तीसरी टाइप की भी राखी तैयार हो गई है। तो अगर इस तरीके से आप भी बनाइए राखी घर में, हैप्पी रक्षाबंधन। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो।